हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष सैनी। आई एम अभिषेक सैनी। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट बात आपसे यहाँ पर शेयर करना चाह रहे थे कि 25 अप्रैल से हम यहाँ पर नए बैच स्टार्ट यहाँ पर करने वाले हैं और पूरी तरीके से ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड यहाँ पर आपका जो है बैच स्टार्ट होने वाला है और अलग अलग सिलेबस, अलग अलग आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है आपका हम सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अलग अलग तरह से जो बैचेस को शुरू करने वाले हैं वो ओरिएंटेड बिल्कुल प्योरली एग्ज़ाम ओरिएंटेड वाइज ही हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा UKPCS। हाल ही में अभी इसके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं और एक मेन फोकस हमारा रहेगा RO ARO के ऊपर, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर RO ARO का पेपर अभी कैंसिल हुआ था। हो सकता है कि वो आने वाले कुछ ही दिनों में ये पेपर हो जाए। UPPCS का जो एग्ज़ाम है वो भी आपका जो है अभी यहाँ पर जुलाई में होने वाला है और अभी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में रेलवे की वैकेंसीज भी निकली हुई है जो अभी सरकारी रिजल्ट पे भी और इसकी मेन वेबसाइट पे भी मौजूद है। अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है तो आप जाकर उस फॉर्म को फिल कर लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं जो UKPSC है, अभी यहाँ पर कई एग्ज़ाम अभी कंटिन्यू हैं, चाहे तो वो आपका प्रॉपर PCS वाला हो, अपर PCS वाला, तो वो भी अभी यहाँ पर लगातार ये भी होने वाला है। तो जुलाई में उसकी जो डेट है वो अभी यहाँ पर है कि जुलाई में वो आपका जो है एग्ज़ाम अभी यहाँ पर होने वाला है। उत्तराखंड पुलिस के भी अभी कई एग्ज़ाम हैं, SI वाला एग्ज़ाम है, तो उन सभी के लिए यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलने वाला है और हम आपको ये भी गाइड करने वाले हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से आपकी जो है क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर हिस्ट्री पोर्शन है और हिस्ट्री पोर्शन को हमने यहाँ पर तीन भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर एक है हमारे पास यहाँ पर एंसेंट, फिर है हमारे पास यहाँ पर मिडेवल और सबसे लास्ट में जो है हमारे पास वो है यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री। तो इन तीन पोर्शनों में इसको यहाँ पर सही तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और तीनों ही भागों को सही तरीके से कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को हम दो भागों में यहाँ पर डिवाइड करते हैं, एक तो है हमारे पास यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी और दूसरी है हमारे पास यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इन ज्योग्राफी को सबसे पढ़ने का जो तरीका है हमारे पास वो है यहाँ पर मैप के थ्रू, और पूरे ज्योग्राफी को हम मैप के थ्रू समझेंगे कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, वो यहाँ पर किस तरीके से जो है लाई करती है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की बात करता हूँ तो दो भागों में यहाँ पर भी हमें एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक जो है हमारे पास वो है यहाँ पर संविधान से प्रश्न और दूसरा जो हमारे पास है यहाँ पर वो है आपका जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है, गवर्नेंस वाले पोर्शन से भी आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एट प्रेजेंट, तो जो संविधान वाला पोर्शन है वो यहाँ पर अधिक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं आपके लिए। सबसे अधिक जो प्रश्न है वो यहाँ पर आपके संविधान से हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी बात करते हैं यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स है, इसके भी दो पोर्शन आपको देखने को मिलते हैं। एक जो पोर्शन है हमारे पास वो है यहाँ पर माइक्रो और एक पोर्शन है यहाँ पर हमारे पास मैक्रो। इन दोनों के बीच डिफरेंस किस तरीके से है, क्या क्या इन दोनों डिफरेंस के बीच में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा और किस तरीके से हम यहाँ पर इसको पढ़ाई करते हैं, यहाँ से अगर मैं प्रश्न की बात करता हूँ तो कुछ जो प्रश्न है हमारे पास वो फैक्ट बेसिस पे होंगे और कुछ जो प्रश्न है वो यहाँ पर अप्लाइड बेस पे होंगे। तो दोनों तरीके से हम बात करेंगे, अप्लाई वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी पिछले दिनों यहाँ पर RBI ने एक रिपोर्ट रिलीज की और वो जो रिपोर्ट थी रिगार्डिंग थी यहाँ पर हमारे RR यानी रेपो रेट को लेकर। तो यहाँ पर रेपो रेट जो है वो HDB RBI ने रखी, तो उसके पीछे का क्या इम्पैक्ट था, किस वजह से उसने यहाँ पर रेपो रेट को HDB रखा, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया, तो जो अप्लाइड वाला पोर्शन है उसको भी हम यहाँ पर सही तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हिंदी का जो पोर्शन है हमारे पास, उसमें जो प्रश्न आजकल देखने को मिल रहे हैं वो वर्णमाला से काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न मिल रहे हैं। और ऐसी बात करें यहाँ पर मुहावरे, लोकोक्तियाँ,
और आपके विलोम शब्द अच्छे खासे पोर्शन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सबसे मेन बात करता हूँ यहाँ पर, जो हमारे पास यहाँ पर साहित्य वाला पोर्शन है उसको लेकर बच्चों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, वो सारा जो कन्फ्यूजन है वो हम यहाँ से आपका दूर करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास है वो रीजनिंग वाला पोर्शन है। वर्बल और नॉन वर्बल जितनी भी रीजनिंग है वो यहाँ पर हम सही तरीके से कवर करने वाले हैं। और ऐसे ही जो मैथ वाला पोर्शन है, चाहे तो आपके पास यहाँ पर एवरेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, तो वो भी हम सही तरीके से यहाँ पर कवर करेंगे। इसको लेकर आप बिल्कुल भी यहाँ पर अवेयर हो सकते हैं कि हम यहाँ पर इसको सही तरीके से कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ, जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास वो है यहाँ पर करंट अफेयर का। जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है, करंट अफेयर की बात करते हैं, इसकी जो क्लासेस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री रखी गई हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं वो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाकर देख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है, उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है एग्ज़ाम में, इसका जो वेटेज है हर एग्ज़ाम में इसका अलग अलग वेटेज है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर UKPSC वाला, जो आपका PCS वाला प्रॉपर वाला जो एग्ज़ाम है, वहाँ से आपका जो है साफ साफ उन्होंने लिखा है कि 1/3 हम यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं आपके रखेंगे। तो 50 से 60 जो क्वेश्चन हैं आपके वो उत्तराखंड के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो एक अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पर उत्तराखंड जो है वो कवर करेगा। तो इसको भी लेकर आप जो है बिल्कुल चिंता ना करें, सही तरीके से यहाँ पर हम इसको कवर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और आपका अगर कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका हम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।